15 20 मिनट होना। ओके देखिए पार्शियल प्रेशर क्या 20 होता है 25 बेटा। मिनट ठीक है बेटा, एयर के अंदर जब हम एयर को देखते हैं, ठीक है, एयर के अंदर क्या होता है, कई सारी गैसेस होती हैं, ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन है, CO2 है और नाइट्रोजन है, ठीक है, ये कुछ गैसेस हमेशा एयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब एयर में इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर जो होता है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ वन गैस, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, उसका पार्शियल प्रेशर, समझ में आई बात। इंडिविजुअल गैस पार्शियल प्रेशर इज प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वन गैस, इंडिविजुअल गैस का जो भी पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, उसका पार्शियल प्रेशर है कि नहीं, वही बोल रहा है पार्शियल प्रेशर, ठीक है। सिर्फ क्या कहा मतलब पता नहीं चाहिए दिमाग हर समझ एक नहीं आ रहा गैस मुझे क्या का, करना है। हर एक गैस का खुद का पार्शियल प्रेशर होता है, अच्छा समझ समझे, गया ओके हर एक गैस का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर होता है। अब पार्शियल प्रेशर होता क्या है वो समझो, ठीक है बेटा। पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर है जिसकी मदद से वो हीमोग्लोबिन से अटैच करता है कोई भी गैस, ठीक है। तो हमारे बॉडी में अलग अलग जगह अलग अलग पार्शियल प्रेशर होता है, देखिए किस तरीके से। जैसे देखिए यहाँ पे बेटा है एल्वियोलाई, क्या है ये एल्वियोलाई एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के बाहर क्या कैपिलरी है, कैपिलरी इस तरीके से कैपिलरी है, ठीक है। अब बेटा ओके हाँ एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो है 104। कितना है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, 104 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ऐसे लिखते हैं बेटा, 104। ये सारे वैल्यूज आपको याद रखने हैं, ठीक है। ठीक है सर और दूसरा पार्शियल प्रेशर जो CO2 का है, CO2 का है वो कितना है बेटा, 40 है, कितना है 40 40। इसको लिखते हैं हम MMHg में, किस में लिखते हैं, MMHg, माइक्रोमीटर MMHg पर बेटा, मरक्यूरी ये बेटा MMHg मर्क्यूरी मेजर होता है प्रेशर का, ठीक है, MMHg लिखते हैं हम लोग अच्छा उसको, ठीक है। चलिए इसको समझिए ध्यान से, ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा क्यों हुआ क्यों बेटा, एक सिंपल सी चीज़ समझना है यहाँ पे। यहाँ पे जो RBC है अंदर, RBC सपोज एक RBC है, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, ये क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है, क्या कर रहा है बेटा, ये कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड को छोड़ रहा छोड़ रहा है, CO2 को छोड़ रहा है, और क्या ले रहा है, ये क्या ले रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है कि नहीं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन यस सर को ले रहा है। तो बेटा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन तभी ले जा ले पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तभी छोड़ पाएगा जब उसका पार्शियल प्रेशर बहुत कम हो, जब वो हाँ उसकी जो एफिनिटी है बेटा हीमोग्लोबिन, क्योंकि हमें पता है कि जो RBC होते हैं उनके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। यस सर तो सपोज ये हीमोग्लोबिन है बेटा, हीमोग्लोबिन से वही चीज़ बाइंड कर सकती है जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। तो इस टाइम पे एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकल जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बहुत कम है, समझे। और ऑक्सीजन क्यों बाइंड हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो जल्दी से आके इससे यस ऑक्सीजन, सर भैया ऑक्सीजन इधर बाइंड हो जाएगा, इधर बाइंड हो जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल था बेटा, जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो निकल जाएगा, समझे, क्योंकि हाँ उसका पार्शियल प्रेशर यस कम है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। कहानी समझ में आई, इजी है ना। यस सर सर 50% से ऊपर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बोक्सी ना बेटा अभी सुख शांति रखो, अभी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बेटा वो, हाँ 45 से ऊपर होता, 45 50 नहीं होता, कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बेटा 45 से ऊपर नहीं जाता, ठीक है, मतलब टॉपिक पढ़ चुके हो तुम, कोई बात नहीं, चलिए नहीं पढ़ा अच्छा, नहीं उसे वो प्लांट वाला बताना जो बताया था एक बार वो अलग कॉन्सेप्ट है बेटा, यहाँ पे अलग है, ये पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, अच्छा वो वहाँ पे वो अलग है, वो उसके क्लोरोफिल क्या था, वो CO2 उसमें क्या पार्ट्स पर मिलियन हम ले, PPM लिया था बेटा, और यहाँ पे MMHg ले रहे हैं, थोड़ा ध्यान देखो, दोनों अलग चीज़ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बेटा, इतना समझ में आ गया ना, हाँ अब ये मिटा दूँ मैं, ये चीज़ समझ गया आप, तो यस सर ये तो नेक्स्ट पेज में जा सकते हैं नेक्स्ट पेज में नहीं जा सकते, एल्वियोलाई वापस बनाना पड़ेगा, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फिर, आपकी इच्छा। नहीं नहीं सर आप उसमें भी कर सकते हैं सर ये मुझे ज़्यादा एल्वियोलाई है, दिक्कत नहीं है एल्वियोलाई है, ये कैपिलरी थी,
ठीक है, यहाँ पे क्या क्या हुआ आपको सब पता चल गया है कि नहीं। अब यहाँ से जाएगा ये क्या है भाई, ये बेटा लंग्स को दे रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या दे रहा है? लंग्स को डीऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है। और यहाँ पे है आपका हार्ट, ठीक है, ये है आपकी अयोटा, अयोटा अयोटा ब्लड कहाँ ले जाता है? टिश्यू में। कहाँ ले ब्लड जाएगा? जाती है टुवर्ड्स द टिश्यू में ले पार्ट्स जाएगा, ऑफ द बॉडी। यस यस टिश्यू, सर। ठीक है। अब टिश्यू के पास है सेल। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आप समझने वाले हो, दिमाग एकदम खुला रखना, खुला, इट शुड बी ओपन, ओके। यस सर। अब यहाँ देखो बेटा, ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये कौन सा ब्लड ले जा रहा है बेटा लंग्स के पास? ये लेके जा रहा है का डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, है कि नहीं? हाँ ओके, तो यहाँ पे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जस्ट अ सेकेंड, PPO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा? 45% से कम। चलो इधर आ एक जाओ, सेकेंड। पहले टिश्यू देख लेते हैं, टिश्यू देख लेते हैं। देखो टिश्यू बेटा क्या रेस्पिरेशन करके क्या रिलीज करता है? CO2 रिलीज करता है कि नहीं? यस CO2। सर। और यहाँ पे ये ऐसा पॉइंट है बेटा जहाँ पे सेल को ऑक्सीजन देना है। क्या देना है सेल को? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। देना है। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन देना है, तो बेटा इस पे यहाँ पे पार्शल प्रेशर जो होगी टिश्यू में ऑक्सीजन की काफ़ी कम हो जाएगी, तभी तो ऑक्सीजन जा पाएगा, है कि नहीं? तो बेटा ऑक्सीजन यस का सर। पार्शल प्रेशर इस वक्त यहाँ पे सेल के अंदर बहुत ही कम हो जाता है। कितना हो जाएगा बताओ कि ये छोड़ेगा ऑक्सीजन को? कम हो जाएगा सर बहुत लेस ज़्यादा। देन 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का बेटा? लेस देन 40। PPO2 सेल के टाइम पे लेस देन 40 होगा। और बेटा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी वही RBC वाला ही केस है। यहाँ पे भी ये ब्लड के, ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, तो इसको ऑक्सीजनेटेड बना लेते हैं पहले। रुकिए, ये यार क्या है यार, कलर भी नहीं सेलेक्ट करने दे रहा है। ओके, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है। ऑक्सीजन ब्लड में क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन ब्लड में होगा RBC जिसके पास इस वक्त ऑक्सीजन है, लेकिन इस वक्त ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेटा टिश्यू को देना है। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ऑक्सीजन की पार्स वो जो क्या बोलते हैं पार्शल प्रेशर है, काफ़ी कम हो गई। कितनी हो गई? -40, मतलब लेस देन 40 हो गई। और सेम टाइम पे सर पार्शल प्रेशर ऑफ CO2 जो है बेटा, पार्शल प्रेशर ऑफ CO2 कितना हो गया? -45 हो गया, समझे? तो क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन निकल जाएगा हीमोग्लोबिन से, ऑक्सीजन निकल गया इधर देखिए ये लाइन में, और CO2 जाके बाइंड हो जाएगा, समझे? यस। अब बनेगा आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब इसके कई सारे रीज़न है बेटा क्यों ऑक्सीजन निकलता है, उसमें से एक तो है ये पार्शियल प्रेशर, और भी कई सारे रीज़न है, वो अब आगे पढ़ोगे, ठीक है? समझ में आया इतना? क्यों कार्बन डाइऑक्साइड जॉइंट हो गया बताओ, क्यों कार्बन क्योंकि डाइऑक्साइड जॉइंट? सर ये जैसे कि जो ब्लड गया तो बेसिकली जो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन वो धीरे धीरे करके कम होता गया पर टिश्यू। और वो टिश्यू के पास जब जो पहुंचा तो ऑक्सीजन बहुत कम था, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू के पास बहुत ज़्यादा था देने को, तो वो जाके वो कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया क्योंकि उसका 45% से ज़्यादा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बहुत कम था उससे। चलिए दूसरी चीज़ बेटा, ये पॉइंट पे आयोटा के अंदर जब ब्लड आया था तो इस वक्त इसका पार्शियल प्रेशर O2 का कितना था पता है आपको? 95 था, ठीक है। हे बाबा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना था पता है आपको? लेस देन 40 था, ठीक है। अच्छा ये बढ़ गया क्योंकि सेल से CO2 निकला ना, तो CO2 ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट था। और इसके ऊपर शुरू कितने से हुआ बेटा? 104 और 40 से, और आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ? 104 हो गया, मतलब 95, और ये हो पार्शल प्रेशर हो गया लेस देन 40 CO2 का, और नीचे टिश्यू मतलब पे वहां पे पहुँचते बहुत पर। लोग एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, समझ गए इतना? यस सर। तो मतलब टिश्यू तक आते आते बेटा टिश्यू के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो उसका पार्शल प्रेशर ज़्यादा होगा, तो बाइंड कर जाएगा हीमोग्लोबिन से और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा क्योंकि उसका पार्शल प्रेशर कम हो जाता है। इसी का उल्टा हमने बेटा यहाँ पे पढ़ा था। देखो यहाँ पे उल्टा क्या था, यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा था इसके लिए वो होमोग्लोबिन से बाइंड हो गया, और CO2 का कम था इसके लिए वो निकल गया और एल्वियोलाई के पास चला गया। इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन दोनों हमने यहाँ पे पढ़ लिया, किस तरीके से ऑक्सीजन छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है, किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। क्लियर? यस सर। हैवी हो रहा है? ना काम सर।
CO2 हर्ट पाइरुविक एसिड। चलिए फिर एक बार आपको टेबल से समझा देते हैं बेटा कहाँ पे क्या क्या चल रहा है। देखिए एक टेबल मैं बना रहा हूँ, ये टेबल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, खोल के भी देख सकते हो। ठीक है बेटा, एक तरफ मैं लूँगा ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, एक तरफ लूँगा कार्बन डाइऑक्साइड। आपको बताना है, देख के मत बताना ठीक है। एल्वियोलाई में कितना है बताओ, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ये कितना था है? मेरा 104 ये ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड का था मेरा 40। बहुत अच्छा, चलो बेटा एक और मुकाम अपने पर। अब बोलो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होगा ये आपने बताया था कि था 95 डी? वो रहता तो है, बेटा ये 104 ऑक्सीजनेटेड रहता था, वो तो रेड कलर था ना, ऑक्सीजनेटेड था बेटा, है कि नहीं? है। हाँ डीऑक्सीजनेटेड, 95 से शुरू होता है ना, डीऑक्सीजनेटेड मैंने बताया ही नहीं आपको। ये देखिए ये नहीं बताया। डीऑक्सीजनेटेड है, ये जो कि पल्मोनरी आर्टरी ले जा रहा है डीऑक्सीजन ब्लड। इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन होता है बेटा वो हमेशा कितना होता है, PpCO2 होता है, PpCO2 होता है 45, कितना होता है 45 45, और PpO2 होता है आपका 40, कितना होता है 40। फोर्टी ठीक है यस सर। इतना है इधर, समझ में आई बात? अब बेटा ऑक्सीजन बहुत कम है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, समझ में आ रही बात? लेकिन दूसरी तरफ से ऑक्सीजन जो आ रहा है उसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, तो बाइंड कर जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड बना देगा। बिल्कुल ठीक है यस सर। तो डीऑक्सीजनेटेड में यहाँ पे पेपर टेबल में क्या लिखेंगे, डीऑक्सी में क्या कंडीशन है बोलो, ऑक्सीजन कितना है 40, या तो इसको लेस देन 40 लिख सकते हो, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है बेटा 45। ठीक है अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या हाँ कंडीशन है तो आपको पता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या कंडीशन है बोलो, 95 है ये 95, और 40। ये 45, फोर्टी अब टिश्यू आपको पता है बेटा, टिश्यू में क्या कंडीशन है बोलो, चलो ऑक्सीजन कितना है, टिश्यू में सर 45 से ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड और 40 से नहीं सर। ओके चलिए बेटा समझिए। ठीक है सर, अभी लास्ट टाइम आ जाता हूँ वापस, और फिर